घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें। दूसरों पर निर्भर ना रहे। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है। बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है। अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है।